नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 इंडिया न्यूज में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। जालौन सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो मचा रहा हड़कंप। जी हां, अपर जिलाधिकारी जालौन प्रमिल कुमार सिंह और बजरंग दल के कोच नगर अध्यक्ष आकाश के मध्य गौवंशों की मौत के मद्देनजर हुए वार्तालाप का ऑडियो हुआ वायरल। तथा कथित ऑडियो में अपर जिलाधिकारी जालौन प्रमिल कुमार सिंह कह रहे हैं कि गौशालाओं में गौवंशों की मौत हो रही है, तो होने दो, गौवंश तो होते ही हैं मरने के लिए, हमने क्या ठेका ले रखा है, ज्यादा नेतागिरी ना करो नहीं तो लिख जाएगा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा, गौवंश बचाने हैं तो खुद को पालो, अपने घर में गौशाला में नहीं। ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जालौन से रविकांत द्विवेदी की ये रिपोर्ट। हेलो हेलो सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ, उदयनिया बजरंग दल नगर संयोजक कोच। हाँ हाँ सर, आपने कहा नहीं फिर एसडीएम साहब से? हमने कहा तो दिया भाई, एसडीएम साहब से मिलो जाकर के। अच्छा, वहाँ कोच में नहीं जगह मिलेगी, गांव में मिलेगी, गांव में नहीं सर। वैसे और इन गोवंशों का क्या होगा सर? इन गोवंशों का सर क्या होगा जो मौतें हो रही है, रोज मृत्यु हो रही है गोवंशों की? कौन गोवंश? ये कल नगर पालिका परिषद में ये अस्थाई गौशाला, इसमें 3 गौवंशों की मौत हुई है। जैसे ग्राम नरी में हो गई थी, अभी 6 गौवंशों की मौत, उसके बाद ग्राम नरी में हो गई। गौवंशों की मौत हो रही है, आदमियों की मौत हो रही है, तो गौवंशों की भी मौत हो जाएगी क्या भैया? क्या सर, क्या सर ठेका लिया हो क्या? सर आप, सर आप, सर आप इतने बड़े गौवंश पालोगे तो मरेंगे नहीं? नहीं सर, आप इतने बड़े अधिकारी हो गए सर, ऐसी बात करोगे तो हम लोगों को कैसे न्याय मिलेगा सर? हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा नहीं कर रहे हो? हम सिर्फ समाज सेवा करते ना, तो वहाँ जाकर के कुछ काम करते। सर हम लोग कार्य कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हो? ये माननीय माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का कहना है ये गौशालाएं जगह जगह बन रही है, तो सरकार सर फालतू में गौशाला बनवा रही है, व्यवस्था कर रही है गौवंशों की। तो गौशाला में गाय जाएगी, वहाँ घायल गाय पहुँचाओगे तो मरेंगी नहीं? अरे सर, जो टैगिंग वाली गाय है वो मर रही है सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो बता रहा था मुझे, मैंने ये तो पूछा था, बता रहा था कि वहाँ गाय घायल गाय गाय लेकर के गए थे तो हम मरेगी नहीं वो? अरे सर, टैगिंग वाली गाय थी सर, टैगिंग वाली गाय थी, टैगिंग वाली गायों की मौत हो रही है सर, कल भी टैगिंग वाली गायों की मौत हुई है सर। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, जिसमें घायल गाय ले गए थे तो मरेगी नहीं वो? नहीं तो सर, घायल गोवंश कहाँ जाएंगे सर, रोड पे सड़ते रहेंगे, मर जाएंगे तो क्या करेगा, जिंदा कर लेगा तुम्हारी गाय? हमारे यहाँ हम लोग क्या घायल हो रहे हैं लोग इस में, तो हम बचा लेते हैं क्या? नहीं तो घायल गाय मर जा रहे हैं तो गाय है तो मरेगी ही भाई। नहीं तो घायल गाय तो पड़ी है तो मरेगी ही मरेगी सर। घायल गाय थोड़ी ना ले जा रहे हैं गौशाला में, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं? बताता है कि तुम पहुंचाते हो वहाँ घायल गाय, खाली यही पहुंचाते हो? नहीं सर, हम नहीं पहुँचाते वहाँ जा करके। सर आप गलत बात कर रहे हैं, मैं तो सर समाज सेवा कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। समाज सेवा जितना कर रहे हो ना, तो पाल लो, हमने तो कहा गाय तुम्हें दे देते हैं, चार चार गाय तो जरूरत नहीं है ना। सर हम लोग तो वैसे ही पाले हैं गौशाला में, ये अन्न व्यवस्था होना चाहिए। नहीं सर, ये हम लोग तो पाले हैं गाय, हम लोग सर कितना कर सकते हैं, हम लोग इतनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। इनके घर पे गाय, घर पे पाले तो गाय नहीं मर रही है? नहीं सर, हम फिर भी पाले तो उसमें गाय नहीं मर रही है? तो सर रोज नहीं मर रही है, घर पे हम गाय पाले हैं 8 साल से सर, 8 गाय पाले हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये गाय गोवंश रोज मौत हो रही है सर, ग्राम नरी में हो रही है, ग्राम ब्यावना में हो रही है, कोंच में हुई है, अगल बगल कोंच। जब 200 गाय पलेंगी तो कभी तो मरेगी मरेगी, एक दो तो मरेगी मरेगी भाई। अच्छा सर, तो गाय की बात तुम बता रहे हो, तुम पाल करके रखो ना, नहीं मर रही है तो ड्राइवर दिखा दो। नहीं तो सर आप अपर जिलाधिकारी हैं, मर रहे हैं आदमी, रोज मर रहे हैं, सड़कों पर तुम चलना बंद कर दे रहे हैं कि गैस नहीं हो रहे हैं? अच्छा तो गाय मर रही है सर, मरने दो है ना, ये तो जिंदा रखो, मैं तो कहाँ कह रहा हूँ यार, रख लो, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतनी क्षमता है तो रख लो। नहीं सर, गाय अच्छी बात नहीं, मरने दो यार सर, ये गाय मर रही है क्या रखने दे रहे भाई, अपने पाल करके रखो ना। वैसे सर हम आपसे एक छोटी सी बात करना चाहते हैं, जैसे सर आप हम लोगों से कहते हो, जैसे हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, इतनी सी बात अफसासी अधिकारी से कहें। समाज सेवा क्या कर रहे हो, एक बता तो कहीं बताने का, समाज सेवा कर रहे हो? नहीं, वीडियो साहब से कहो, अफसासी अधिकारी से कहो, समाज सेवा कर रहे हो? नहीं, अफसासी आप अधिकारी से कहो, वीडियो साहब से कहो, तो सर कुछ गोवंशों में सुना है 10-20-50 गाय पाले तो जाने समाज सेवा कर रहे हो? तो सर हम लोग गाय पाले पहले, गाय के पाल नहीं करके, और गाय कहीं घायल होगी तो उठा करके लाकर यहाँ रख दोगे, ये काम करते हैं सर आप लोग है। नहीं सर, आप लोग किस लिए हो ये बताइएगा, हम आप लोगों को सूचना दे रहे हैं, हम लोग बनवाए हैं, हम लोग बनवाए हैं तो कहाँ बनवाए सर, क्या व्यवस्था बन रही है बताइएगा आप, और दोबारा मुझको कहीं मत करना मुझे, ठीक है? नहीं तो सर जिससे बात करें वही बात करो। नहीं तो सर ये कैसे, ये गलत नहीं हो रहा है वैसे, ये दोबारा मत बात करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ अभी लिख करके दे दूंगा वहाँ, समझ गए? ठीक सर, ठीक सर। हेलो सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।
कौच गौशाला में अस्थाई में 3 गायों की फिर मौत हुई आज। अच्छा हाँ अच्छा ठीक। तो आप लोग सुधार के लिए सर बोलते क्यों नहीं है ये बताइए, आप लोग पालका को बोलते क्यों नहीं है सुधार के लिए? क्यों आप क्यों नहीं बोलते हो यार? अरे आप लोग हमसे चिल्लाते हो इतना, हमारी बात सुनो आप पहले, आप लोग जितना हमसे चिल्लाते हो उतना आप पालका की यू से और वीडियो से बोलो सुधार आ जाएगा। इससे बात करना मिस्टर, मैम आप भी अच्छे से ही बात कर रहे हैं, से बात करो। हम आपसे सर अच्छे से बता रहे हो, हम आपसे अच्छे से ही बात कर रहे हैं सर, तमीज से बात नहीं कर रहे हो तुम, हम आपसे अच्छे से ही बात कर रहे हैं। आप जितना आप हम लोगों से चिल्लाते हो उतना पालका की यू से और वीडियो से आपसे कहो तुम सुधार आ जाएगा। नहीं गाय देखते क्यों नहीं, ले लो गाय ना, दे रहे हैं हम लोग, ले लो। अच्छा गाय लो तो हम लोग व्यवस्था बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं हम लोग। नहीं पालो ना, पालो हम लोग दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट दे रही है उस पे तुम्हें दे रहे हैं, ले लो जरा। अरे हम तो पाले हैं, बहुत पाले हैं हम गाय, पाले हो, झूठ साच बोलते हो यार, खाली पाले हो बताते नहीं, हम लोग तो बहुत पाले हैं, इतना बदकारी से पैसे ले रहे हो ना, जो पैसे गवर्नमेंट दे रहे हो पैसे लेकर के दे रही गवर्नमेंट, इसीलिए पब्लिक को दे रही है, ले लो। हम 8 पालेगा ये मर रहे, इनका जिम्मेदार कौन है? इनका पलवाओ जरा, संरक्षक बने हो। अच्छा तो हम पलवाए? हाँ तो पलवाओ ना, गवर्नमेंट दे रही है कि पब्लिक को लेना है तो आप लोगों को प्रचार करना चाहिए, आप हमसे कह रहे हैं सर तो पा नहीं रहे हो कुछ। अरे हम खुद पा रहे हैं, आप कभी कोचा तो हमारे घर में देखना, 8-10 गाय पली है तो कुछ करो, नहीं तो आप लोग व्यवस्था नहीं बनाएंगे सर, क्यों नहीं समझाएंगे ये मौत हो रही है किस कारण हो रही है? कर लो ना, नहीं ले करके करो जरा, हम तुमको देते हैं अभी 30 रुपए पर डे के हिसाब से 100 गायें दे रहा हूँ, जरा रखो अपने पास। तो जगह दे रहे हैं आप हमें, कोई सरकारी व्यवस्था कर रहे हैं, हम पाल रहे हैं 100 गाय, बोलो क्या आप जगह दे रहे हो? ये जगह दे रही है कोंच नगर में पर्ती वगैरह, जगह भी दे दूंगा, जगह भी तुम्हें दे दूंगा, 100 गाय पालो, 30 रुपए पर डे के हिसाब से दिलाऊंगा अभी। लो 100 गाय हमने पाली, मैं आपसे वादा करता हूँ आप हमें जगह का मुआयना कराइएगा, मैं जगह जगह दिलवा देता हूँ, कल जगह दिलवा दूंगा मैं, कल जगह दिलवा दूंगा, जरा 100 गाय पाल के दिखाओ, 100 गाय पाल के दिखा रहे हैं हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन आप हमें कल जगह की व्यवस्था करें। हाँ कल दिलवा दूंगा, कल दिलवा दूंगा। ठीक सर धन्यवाद, कल मैं दिलवाता हूँ। ठीक सर। अरे झांकते ताकते हो, काम तो करते नहीं हो। अरे काम हम लोग करते हैं, आपका अधिकारी सरकार पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक मौन रहता है, आप कह रहे हैं काम नहीं करते हो, हम लोग काम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रात रात भर सूचना दे रहे हैं हम आप लोगों को, आप लोग हम लोगों को सूचना नहीं देते हो, कुछ सूचना देना तो काम, हम सूचना तो हमको भी आ जाती है, सूचना आ जाती है, सूचना पर जाते क्यों नहीं है ये तो बताएं आप, जब सूचना आ जाती है आप लोगों के पास, पर जाते क्यों नहीं है सूचना पर? हम लोगों को गवर्नमेंट ने कहा कि 30 रुपए पर गाय के हिसाब से देंगे, जरा 4-4 गाय खिलाओ। आप लोगों को नीचे से देखना नहीं है, नहीं है। आप लोग नीचे से ही देखते हो, हम लोगों से कहते हैं आपको समझा देते हैं कि भाई अपनी अपनी गाय बांध लो, वो तो कर नहीं पाओगे। ठीक ठीक ठीक, कल आप हमें कराइएगा 100 गायों की जगह, हम देखते हैं कल। ठीक है ठीक है, ठीक है। कल आप ADM साहब के साथ वार्ता हुई और क्या गायों के बारे में कहना चाहेंगे? भाई साहब कौन चाहता है, गौशाला में गौवंशों की मृत्यु हो रही थी, इसकी सूचना हमने ADM साहब को दी, उन्हें बताया, अवगत कराया कि यहाँ पर गौवंशों की काफ़ी मौत हो रही है, रोज नरी में हो चुकी है, ग्राम ब्यौना में हो चुकी है, जैसे ग्राम कौच नगर में हो चुकी है। तो ये सूचना देने पर वो हमसे उल्टा चिल्लाने लगे, जितना ये लोग हमसे चिल्लाते इतना ये यो अधिशासी अधिकारी व वीडियो से कहें तो कुछ गौवंशों में सुधार भी आ सकता है। क्या कुछ कहा आप हमसे? धमकी भी देने लगे कि ज़्यादा फ़ोन लगाओ के बार परेशान करोगे, मुकदमा लिख देंगे आपके खिलाफ, गौ माता ये गौवंश मर रहे हैं तो मरने दो, मैं क्या करूं, गाय होती हैं मरने के लिए, ये सारी बातें कह रहे थे वो। तो आप लोगों से ये नहीं कहा कि आप लोग तो पब्लिक के लिए ही हो, हम लोग जी हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं भाई साहब, और इसके बाद ये आप हमारी बात हुई थी उनसे रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग भी हमने आप लोगों को दे दी है, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। आपने माननीय ADM साहब से ये नहीं कहा कि शासन ने आपको सुनने के लिए यहाँ बैठाला है, आप अगर हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? सारी चीज़ें भाई साहब समझाई हमने उनसे, भी कहा, हमने कहा भाई साहब हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, बोले आप लोग समाज सेवा नहीं कर रहे हो, समाज सेवा के नाम पर नाम कर रहे हो अपना आपका जी, और कुछ नहीं कर रहे हो भाई साहब। तो इसकी शिकायत आपने कभी अभी किसी से की है? अभी किसी से नहीं की, आज जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं, उनको हम ज्ञापन जरूर संबोधित करेंगे ADM साहब को लेकर।